नमस्ते इंडिया। ये तो आप भी मानते ही होंगे कि जब हम एकदम थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब कोई काम करने का मन नहीं करता है, भले चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। और अगर आप वो काम करने जाते भी हो, तो भी या तो ठीक से नहीं हो पाता है, या तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर आपके हालात भी कुछ ऐसे ही है, आप भी बहुत कमजोर महसूस करते हो, आपको बहुत ही वीकनेस रहती है, तो आप कुछ सीड है, यानी कि कुछ बीज है, उसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप शामिल करते हो, अपने डाइट में शामिल करते हो, तो यकीनन आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो वीकनेस है, वो मिनटों में छू हो जाएगी और आपको एकदम एनर्जेटिक भी बना देगी। तो आज हम कुछ ऐसे बीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसे आप खाकर तुरंत ही एनर्जी ले सकते हो और अपनी वीकनेस को मिनटों में छू कर सकते हो। जो लोग अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, वो लोग रोज़ाना कद्दू के बीज खा सकते हैं। कद्दू के जो बीज होते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको पूरे दिन भर एनर्जेटिक रखने में आपको मदद कर सकता है। इसलिए अगर आप भी बहुत ही वीकनेस फील करते हो, तो आपको ज़रूर कद्दू के बीज रोज़ाना खाना चाहिए। इसी के साथ साथ कद्दू के बीज जो होते हैं, वो थकान, कमजोरी और जो आलसपन आता है, उसको दूर करने में मदद कर सकता है। अगर रोज़ाना सुबह में कद्दू के बीज अगर आप पानी के साथ लेते हो, पानी के साथ अगर आप कद्दू के बीज खाते हो, तो इन सभी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हो। इससे तो आपकी जो बार बार आने वाली जो थकान होती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे और अपने आप को तरोताज़ा भी फील करोगे। कद्दू के बीज के और भी कई अलग अलग फायदे हैं, जो कि आपको हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले तो वो हमारे दिल की सेहत को, यानी कि हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जिनको भी डायबिटीज़ है, अगर आपको भी डायबिटीज़ है, तो आपको रोज़ाना कद्दू के बीज खाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही में स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, और हमारे इम्यूनिटी को भी मजबूत रखने में इसका कोई जवाब ही नहीं है।